फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलिफ्स डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता करी और चिकन मीट बॉल्स, वो भी क्विकली एंड इजीली विद अलिफ्स डायरी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अलिफ्स डायरी। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं चिकन कोफ्ता करी। चिकन कोफ्ता करी बनाने के लिए हमने लिया है अनियन, हाफ अनियन लिया है मैंने, और 4 से 5 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बोनलेस चिकन। साबुत मसालों में मैंने लिया है कोरिएंडर सीड्स, पेपरकॉर्न और ज़ीरा पाउडर। इसको हम सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद हम जब चिकन को मिंस करेंगे उस टाइम पर हम इसे ऐड करेंगे, एंड सॉल्ट टू टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इनको ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए देखिए हमारा कीमा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। और साथ ही साथ हमने जो पाउडर मसाला बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे हम पुदीना। अगर आपके पास में फ्रेश पुदीना है तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रीज में रख लेंगे। तब तक हम तैयारी करेंगे हमारे ग्रेवी बनाने की। तो बस इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख लेंगे और तब तक हम तैयारी करते हैं, ग्रेवी बनाते हैं। चिकन कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले हम रिश्ता तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने करीब 1 प्याज का रिश्ता तैयार कर रही हूँ। मसालों में मैंने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, 2 से 3 लौंग, सिनेमन स्टिक, 1 बे लीफ, और साथ ही साथ में हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और करीब 2 बिग स्पून योगर्ट। और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि बिल्कुल भी कर्डल ना रहे। ये हमारा ब्रेस्टर रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद में हम इसे ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हम जो है करीब 1 चम्मच ऑयल लेंगे। और उसे हल्का गर्म होने के लिए रखेंगे। तब तक हम हमारा जो कीमा था उसमें हम थोड़ा सा अंडा एग वाइट ऐड करेंगे। इससे हमारे कोफ्ते में काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आएगी, क्योंकि हमें पूरा अंडा नहीं चाहिए। हमारे कोफ्ते हम थोड़े कम बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से मैंने होल किया और उसको अंदर ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। और हम थोड़ा सा अंडा इसमें ऐड करेंगे। बाकी का अंडा हम रख लेंगे। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम उसमें डालेंगे गरम मसाले। देखिए मेरा ऑयल जो है काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा हमारा अदरक लहसुन का जो है कच्चापन दूर होता है, हल्का गोल्डन ब्राउन होगा होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे सारे मसाले।
और इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे योगर्ट और उसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए हमारा ऑयल जो है सेपरेट होने स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मिक्स कीजिए। ऐड लिटिल बिट वाटर मोर। और इसे हम पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा फ्राइड अनियन जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे क्योंकि अब हमें इसके अंदर, इस ग्रेवी के अंदर अब हमें कोफ्ते पकाने हैं। जब हमारा एक उबाल आना शुरू हो जाएगा हमें हमारा जो कबाब है उसे हम इस तरह से जितने छोटे बड़े जितने साइज के आप बनाना चाहें बस इस तरह से ये रोल कीजिए और हम ऐड करेंगे। काफी लोग जो है अंडे की बजाय इसमें बेसन भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। आई प्रिफर एग। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे और उसके बाद में हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप द साइड। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा थिक ग्रेवी पसंद नहीं है तो, अदरवाइज दिस कंसिस्टेंसी इज रियली गुड। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे करीब 5 से 7 मिनट। ये देखिए जबरदस्त से हमारे मीट बॉल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं और टेस्ट करके बताओ। How is it? Pretty good, very good.